हेलो एवरीवन, आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में जानेंगे और सूत्रों को रटना नहीं है, सीखना है और समझना है, ठीक। और मेरा वादा है आपको सूत्र बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें। तो त्रिकोणमिति के सूत्रों को बताने से पहले हम एक त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये है त्रिभुज, जो ये लाइन जो सतह पर होती है वो होती आधार। आधार को हम ए से लिखेंगे और जो ये 90 अंश का कोण बनाती हुई सीधी लाइन है ये है लंब। और लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा ये कर्ण होती है। तो देखिए, हम सूत्र देखेंगे और सूत्र को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, अगर हमें सूत्र लिखना है साइन थीटा बराबर, तो ट्रिक क्या है देखिए, याद करना है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का यहाँ पर होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा। यहाँ पर होगा कॉस सेक थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर होगा कॉट थीटा। तो ट्रिक ये है, अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो एल बटे के, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो लिखेंगे ए बटे के। अगर टैन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो लिखेंगे एल बटी ए। एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा एल बटी के। और अगला फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा बराबर तो कॉस थीटा बराबर होगा ए बटी के, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का फार्मूला देखिए, तो टैन थीटा का फार्मूला हो जाएगा एल बटे ए, लंब बटे आधार। अगला फार्मूला कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। तो समझिए कि साइन थीटा का हमने लिखा था लंब बटे कर्ण एल बटे के, तो कोसेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे इस ऐसे कि कर्ण बटी लंब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटी आधार, कर्ण बटी आधार। अगला फॉर्मूला है कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटी लंब। तो इन सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में हम आगे सूत्रों के बारे में बताएंगे। अगले सूत्र देखिए, साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा। अगर हमें लिखना हो सूत्र कोसेक थीटा बराबर, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर अगर लिखना हो तो हो जाएगा एक बटे साइन थीटा। अगला सूत्र देखिए, अगर हमें लिखना हो टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लिखना हो तो हो जाएगा एक बटे कॉट थीटा। अगला फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर लिखना हो तो एक बटे टैन थीटा। इन सूत्रों को याद करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक इमेज सेट करनी होगी माइंड में, कि साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर टैन थीटा, ये इमेज सेट करनी होगी। यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि इसका सूत्र लिखने के लिए एक बटे लगाएंगे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखने के लिए एक बटे लगाएंगे साइन थीटा।
तो अगला फॉर्मूला देखिए, सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे, और इसके बाद में हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित हैं। तो आप इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद करिए, समझिए और रटिए मत, और इन सूत्रों पर आधारित हैं, हम सॉल्व करवाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।